हेलो आप सभी का हमारे चैनल सबको शिक्षा पर हार्दिक स्वागत है आज हम साइबर सिक्योरिटी टाइप ऑफ हैकर्स एंड सिक्योरिटी प्रोफेशनल स्क्वीज का पहला पार्ट लेकर आए तो सबसे पहला क्वेश्चन है हैकर्स हु इन फाइंडिंग बग्स एंड एबिलिटीज इन सिस्टम एंड डोंट इंटेंड तो ऑप्शन है ब्लैक हैट हैकर्स ऑप्शन बी वाइट हाइय अटैकर्स एंड ऑप्शन सी ग्रेट हैट हैकर्स एंड ऑप्शन डी रेड हैट हैकर्स तो उसका सही आंसर है वाइट अटैकर्स वाइट हैकर्स आर साइबर सिक्योरिटी एनालिस एंड कंसल्टेंट्स हु हैव द इंटेंट टू हेल्प फर्म्स एंड गवर्नमेंट्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लूप होल्स एज वेल एज द हेल्प टू परफॉर्म पेनिट्रेशन टेस्ट फॉर सिक्योरिटी असिस्टिंग तो उसका सही आंसर है वाइट हैकर्स

जो एक लीगल फॉर्म ऑफ हैकिंग होते हैं तो उसे कहते हैं इथिकल हैकिंग इथिकल हैकिंग इज़ एन इथिकल फॉर्म ऑफ हैकिंग डन बाय वाइट हैट हैकर्स फॉर परफॉर्मिंग पेनिट्रेशन टेस्ट एंड आइडेंटिफिकेशन पोटेंशियल थ्रेट्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्म्स क्वेश्चन नंबर थ्री दे आर निफेरियस हैकर्स एंड देयर मेन मोटिव इज टू गेन फाइनेंशियल प्रॉफिट बाय डूइंग साइबर क्राइम्स हु आर दे रेफर टू हियर ऐसे कौन से हैकर्स होते हैं जो फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए हैं? साइबर क्राइम्स करते हैं तो इसके ऑप्शन ए है ग्रे हैट हैकर्स ऑप्शन बी है वाइट हैट हैकर्स ऑप्शन सी है हैक्टिव ऑप्शन डी है ब्लैक हैट हैकर्स तो इसका सही आंसर है ब्लैक हैट हैकर्स ब्लैक हैट हैकर्स आर एज क्रैकर्स एंड आर मेजर टाइप ऑफ साइबर क्रिमिनल्स हु टेक अनऑथोराइज एज इन यूजर्स अकाउंट और सिस्टम एंड स्टिल डाटा और इंजेक्ट मारवेयर इन टू सिस्टम फॉर देयर प्रॉफिट और टू हार्म द ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन नंबर फोर ब्लैक आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वाइट एज वेल एज वाइट ब्लैक ब्लैक हैट हैकर ऐसा एक टम को कौन क्या कहते हैं जब जो दोनों का काम करते हैं वाइट हैक हैकरस एंड ब्लैक हैट हैकर उसका सही आंसर है ग्रे हैड हैकरस ग्रे हेट हैकर ब्लेंडिंग कैरेक्टर ऑफ बोथ इथिकल एज वेल एज अनइथिकल हैकर दे हार्म अदर सिस्टम फॉर फन बट डो नॉट हार्म द सिस्टम

एंड डोंट हैव मेनी स्किल्स अबाउट कोडिंग 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 में उतनी नॉलेज भी नहीं है और इन डेप्थ वर्किंग ऑफ सिक्योरिटी सिक्योरिटी में सिक्योरिटी वर्किंग में उतनी डेप्थ नहीं है एंड हैकिंग टूल्स आर कॉल्ड तो उन्हें क्या कहते हैं तो ए है ऑप्शन स्पॉन्सर्ड हैकर्स ऑप्शन बी हैक्टिविस्ट ऑप्शन सी स्क्रिप्ट किडीज एंड ऑप्शन डी विचल ब्लोअर्स तो उसके से आंसर है स्क्रिप्ट किडीज स्क्रिप्ट किडीज आर न्यू टू हैकिंग एंड ऐट द सेम टाइम डू नॉट हैव मेरी इंटरेस्ट इन डेवलपिंग कोडिंग स्किल्स और फाइन बॉक्स Of their own in system. rather they prefer downloading of available tools developed by the elite hackers and use them to break any system or network. They just try to gain attention of their friend circles. Question number six. Suicide hackers are those. Suicide hackers option A. Who break a system for some specific purpose with or without keeping in mind that they may suffer long-term imprisonment due to their malicious activity? Option B Individuals with no knowledge of no codes but an expert in using hacking tools. Option C who know the consequence of their hacking activities and hence try to prevent them by erasing their digital footprints. Option D Who are employed in an organization to do malicious activities on other firms. Is the answer Option A Who break a system for specific purpose with or without new keeping in mind that they may suffer from long-term imprisonment due to their malicious activity.

और इन्फॉर्मेशन चोरी करते हैं नेशंस और उसके सिक्रे, सीक्रेट इंटेलिजेंस की तो ऑप्शन ए है स्टैंडर्ड स्पॉन्सर्ड हैकर्स ऑप्शन बी है ब्लू हैट ऑप्शन सी है साइबर टेररिस्ट और ऑप्शन डी रेड हैट तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी साइबर टेररिस्ट Cyber terrorists are very expert programmers and cyber criminals who hide themselves while doing malicious activities over the internet, and they are the smart enough to hide themselves or their tracks of action. They are hired for gaining unauthorized access to national data centers or break into the national network of intelligence agency. Question number eight: One who discloses information to public of a company, organization, firm, government, and private private agency, and he/she is the member or employee of that organization. organization. सर्च इंडिविजल्स आर टर्म एज ब्लैंक ऐसे कौन से पर्सनस होते हैं जो डिस्क्लोज uh, इंफॉर्मेशन करते हैं पब्लिक की पब्लिक ऑफ एंप किसी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म का गवर्नमेंट का एंड प्राइवेट एंड ही इज़ द मेम्बर और एम्प्लॉयर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन जो उसके एम्प्लॉयर मेंबर होते हैं सर्च इंडिव्यूल आर कॉल स्पॉन्सर्डर्स कैकर्सलोर तो उसका सही आंसर है Whistleblowers. whistleblowers are those individuals who is a member or an employee of any specific organization and is responsible for, uh, responsible for disclosing private information of those organization firms and either government or private. Question number 9 These types of hackers are the most skilled hackers in the hackers community. Who are they referred to? This type ke hackers are the skilled hackers kehte, hackers community. Mein. Wo option a. option? white hat hackers option b elite hackers option c license penetration testers and option d red hat hackers Uska se answer hai. option b elite hackers the tag elite hackers are considered among the most reputed hackers who possesses most of the hacking and security skills they are treated with utmost respect in the hackers community zero day vulnerabilities serious hacking tools and newly introduced bugs are found and developed by them क्वेश्चन नंबर टेन ब्लैंक आ दोज इंडिविजुअल्स हु मेंटेन एंड हैंडल आई सिक्योरिटी इन एनी फर्म और ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कौन से इंडिविजुअल्स होते हैं जो आईटी इंडस्ट्री को हैंडल करते हैं और जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और, और फर्म के होते हैं ऑप्शन ए आईटी सिक्योरिटी इंजीनियर ऑप्शन बी साइबर सिक्योरिटी इंटर्म्स ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट एंड ऑप्शन डी सिक्योरिटी ऑडिटर तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए

for security and uh, safety and security of organization security components and systems option c detects and prevents cyber attacks and threats to organization option d uh, Does penetration testing on different web applications? Discuss answer option B Prof security and uh, safety and security of organizations, security components, and system. Security auditors are those who conduct uh, auditing of various computer and network systems on an organization or company and report the safety and security issues as well as helps in suggesting improvements or enhance, enhancements in any particular system that is threat prone. Question number 12. प्लैंक आज सीनियर लेवल कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हु हैव द रोल एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ क्रिएटिंग एंड डिजाइनिंग सिक्योर नेटवर्क और सिक्योरिटी स्ट्रक्चर्स ये सीनियर लेवल कॉर्पोरेट इंप्लॉयज़ होते हैं जिनके पास रोल और रिस्पॉसिबिलिटी होती है कि क्रिएट और डिजाइन करना कि सिक्योरिटी नेटवर्क और सिक्योरिटी स्ट्रक्चर्स को तो उसके ऑप्शन है इथिकल हैकर्स ऑप्शन बी चीफ टेक्निकल ऑफिसर ऑप्शन सी आईटी सिक्योरिटी इंजीनियर्स एंड ऑप्शन डी सिक्योरिटी आर्किटेक्ट तो उसका सही आंसर है सिक्योरिटी आर्किटेक्ट सिक्योरिटी आर्किटेक्ट आर दो Uh, senior grade employees of an organization who are in charge of building, designing, implementing and testing of secure network uh, topologies, protocols, as well as secure computers in our organization. question number 13. blank. security consultant uses database security monitoring and scanning tools to maintain security to different data residing in database, servers and cloud. on uh, um, blank. security consultant uses database security monitoring. ये जो सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स होते हैं जो डाटा बेस सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एंड स्कैनिंग टूल्स को मेंटेन करना चाहते हैं सिक्योरिटी तो उसके ऑप्शन ए है डाटा बेस ऑप्शन बी नेटवर्क ऑप्शन सी सिस्टम और ऑप्शन डी हार्डवेयर तो उसका सही आंसर है डाटा बेस डाटा बेस, डाटा बेस सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स आर स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स हाइड इन ऑर्डर टू मॉनिटर एंड स्कैन द डाटा बेस टेड थ्रेड्स एंड अटैस बाई गिविंग असेस टू रिस्ट्रिक्ट यूजर्स ब्लॉकिंग अनवानटेड फाइल्स मल्टीफेक्टर असेस कंट्रोल एक्सेट्रा तो डाटा बेस सिक्योरिटी कंसल्टे स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स हाइड करते हैं हाइड होते हैं जो मॉनिटर और स्कैन डाटा बेस सिस्टम्स एंड कीम दे सिक्योड फ्राम्योर करते हैं and attacks by giving to restricted users. और अगर कोई रिस्ट्रिक्ट करता है उसे

Option B Government hackers, Option C Cyber intelligence agents, and Option D National state Sponsored hackers. So, option D is the answer National state Sponsored hackers. National state sponsored hackers are specific individuals who are employed or hired by the government of that nation or state and protect the nation from cyber terrorists and other groups or individuals and to reveal their plans, communications, and actions. Question number 15 Someone from outside who tests security issues for bugs. एंड बिफोर लॉन्चिंग असिस्टम और एप्लीकेशन एंड हु इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी आर ऐसे कौन होते जो बग्स ढूँढ के देते हैं सिक्योरिटी इश्यूज़ को टेस्ट करते हैं और बग्स ढूंढ के देते सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन or को और कंपनी को आ, तो उसके जो आउटसाइड होते उसके उस कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के तो वह ब्लैक है ब्लैक हेड हैकर्सटर्नल पेन्यूट्रेशन टेस्टर ब्लू हैट हैकर और व्हाइट हैट हैकर तो उसका सही आंसर है ब्लू हैट हैकर ब्लू हैट है इट सिक्योरिटी टेस्टर्स हु आर टेम्परली हाइड फॉर परफॉर्मिंग आउटसो सोस्ड सिक्योरिटी टेस्ट फॉर बक्स एंडरबिलिटीज इन एनी सिस्टम बिफोर लॉन्चिंग इट टू द मार्केट और मेकिंग द एप्लीकेशन लाइव तो इस तरह से साइबर सिक्योरिटी टाइप्स ऑफ हैकर्स सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स क्विज वन कंप्लीट हुई अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें धन्यवाद जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में